दोस्तों आज बंगाल वॉरियर्स और हरियाणा शीलर्स का भेदी यहाँ पर धाकड़ मैच खेला जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों हरियाणा शीलर्स और बंगाल वॉरियर्स दोनों ही टीमों के अभी यहाँ पर 12 पॉइंट है। दोनों टीमों ने अभी फर्स्ट हाफ के बाद भी शानदार प्रदर्शन किया है। दोनों टीमों ने यहाँ पर रेड और टेकल में यहाँ पर बराबर पॉइंट्स लिए हैं। हरियाणा शीलर्स की बात करें तो यहाँ पर 6 रेड में पॉइंट लिए, वहीं बंगाल वॉरियर्स ने भी 6 यहाँ पर रेड में पॉइंट्स लिए हैं। हरियाणा शीलर्स ने 0 सुपर रेड का पॉइंट लिया, तो बंगाल वॉरियर्स ने भी सुपर रेड का यहाँ पर 0 पॉइंट ही लिया है। हरियाणा शीलर्स ने यहाँ पर 6 टेकल में पॉइंट लिए, वहीं बंगाल वॉरियर्स ने भी 6 यहाँ पर टेकल में पॉइंट लिए हैं। वहीं हरियाणा शीलर्स ने 0 यहाँ पर ऑल आउट में पॉइंट लिया, तो यहाँ पर बंगाल वॉरियर्स ने भी यहाँ पर 0 ऑल आउट में पॉइंट मिला है। अभी तक हरियाणा शीलर्स को यहाँ पर एक्स्ट्रा में 0 पॉइंट मिला है, तो बंगाल वॉरियर्स को भी एक्स्ट्रा में पॉइंट्स में भी यहाँ पर 0 ही इनका भी पॉइंट है। दोनों ही टीमों के सुपर रेड एक भी नहीं किसी टीम ने किसी को अभी तक ऑल आउट किया है, नहीं अभी किसी टीम को अभी तक एक्स्ट्रा का यहाँ पर पॉइंट मिला है। वहीं दोनों टीमों के रेडिंग विभाग की बात करें तो दोनों टीमों ने अभी तक यहाँ पर 6-6 रेड पॉइंट्स लिए हैं एक दूसरे के खिलाफ। हरियाणा शीलर्स ने भी रेडिंग में भी शानदार प्रदर्शन करा, तो वहीं बंगाल वॉरियर्स ने भी रेडिंग में भी यहाँ पर शानदार प्रदर्शन किया है। हम यहाँ पर बात करते हैं दोनों टीमों के अभी तक 6-6 रेड पॉइंट है, और जो दोनों टीमों के फर्स्ट हाफ के बाद जो टोटल स्कोर है वह है 12-12 पॉइंट। वहीं यहाँ पर टेकल में भी हरियाणा शीलर्स के 6 पॉइंट है, तो बंगाल वॉरियर्स के टेकल में यहाँ पर 6 पॉइंट्स है। दोनों टीमों के टेकल और रेडिंग में यहाँ पर 6-6 पॉइंट्स है। दोस्तों बात करते हैं बाकी ऑल आउट पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट इस सुपर रेड में, दोनों टीमों का अभी तक यहाँ पर खाता नहीं खुल पाया है। दोनों टीमें अभी तक बराबर स्कोर से चल रही है। इधर मनिंदर सिंह तो इधर से यहाँ पर दोनों खिलाड़ी भी शानदार खेल रहे हैं। अगर बंगाल वॉरियर्स को आज का मैच जीतना है तो यहाँ पर मनिंदर सिंह को भी शानदार यहाँ पर रेडिंग में लगातार पॉइंट्स लेने होंगे बंगाल वॉरियर्स की तरफ से। वही दोस्तों बात करते हैं हरियाणा शीलर्स की यहाँ पर स्टार्टिंग 7 में जयदीप, मितू, मनु हुड्डा, मंजीत, मोहित, राकेश नरवाल, के प्रबंजन ये स्टार्टिंग 7 में शामिल है। यहाँ पर जयदीप ने 0 रेड में पॉइंट मिला, 2 टेकन में पॉइंट लिए हैं, 1 बोनस का पॉइंट मिला, 3 टोटल पॉइंट है। मितू को 3 रेड में पॉइंट मिले, 0 टेकन का पॉइंट मिला है, 1 बोनस का पॉइंट मिला है, तो इनके भी टोटल अभी तक यहाँ पर 3 पॉइंट्स है। वही मन हुड्डा को यहाँ पर 0 रेड में पॉइंट मिला, 2 टेकल में पॉइंट मिला है, 0 बोनस में पॉइंट मिला है, 2 यहाँ पर अभी तक टेकल में पॉइंट मिले हैं। मंजीत को भी 0 रेड में पॉइंट मिला है, 0 यहाँ पर टेकल में पॉइंट मिला है, 1 बोनस में पॉइंट मिला, टोटल अभी 1 पॉइंट है। वही मोहित को 0 रेड में पॉइंट मिला, 1 टेकल में पॉइंट मिला है, 0 बोनस में अभी इनको भी पॉइंट है, और मोहित के भी अभी तक टोटल मात्र 1 पॉइंट है। राकेश नरवाल ने 1 रेड में पॉइंट लिया, 0 टेकल में पॉइंट लिया, 0 बोनस में पॉइंट है, इनका भी अभी तक यहाँ पर 1 टोटल पॉइंट है। वही के प्रबंजन ने रेडिंग में 1 पॉइंट लिया है मात्र, वहीं टेकल और बोनस में यहाँ पर 0-0 पॉइंट है, टोटल अभी तक इनके भी प्रबंजन के 1 ही पॉइंट है। वहीं जयदीप टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं 2 टेकल में, तो रेडिंग में अच्छा खेल रहे हैं, वहीं यहाँ पर डिफेंडर में अच्छा खेल रहे हैं, टोटल अभी इनके 3 पॉइंट है। वहीं मितू भी रेडिंग में शानदार प्रदर्शन करके 3 पॉइंट ला चुके हैं अपनी टीम के लिए रेडिंग में। इनको बोनस टेकल का पॉइंट नहीं मिला, लेकिन मितू ने रेडिंग में अकेले 3 पॉइंट लाए। वहीं मन हुड्डा ने 2 यहाँ पर टेकल किए अभी तक, डिफेंडर में भी शानदार यहाँ पर प्रदर्शन रहा है मन हुड्डा का, 2 पॉइंट्स लेकर डिफेंडर में सबसे आगे हैं। जिसके बाद मंजीत ने यहाँ पर 1 बोनस का पॉइंट लिया। वहीं मोहित ने भी अभी तक टेकल किया है, मोनू और मोहित दोनों ने अभी तक 2 और 1 यहाँ पर टेकल पॉइंट किए है। बाकी यहाँ पर रेडर में तो यहाँ पर दोस्तों मितू, राकेश नरवाल, प्रपंजन और मंजीत यहाँ पर भी शानदार खेले हैं अभी तक, और ये खिलाड़ी भी शानदार अभी तक यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपनी टीम के लिए शानदार खेल रहे हैं। मितू अपने हाई फाइव से सुपर टेन से यहाँ पर 7 पॉइंट दूर है, तो वहीं अपने जयदीप मनुड्डा अपने यहाँ पर हाई फाइव से 3-3 पॉइंट यहाँ पर दूर है। दोनों टीमों का प्रदर्शन लगातार अभी तक यहाँ पर सेम रहा है, अभी शानदार खेल खेला है यहाँ पर दोनों टीमों ने। तो वहीं यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों बंगाल वॉरियर्स की यहाँ पर स्टार्टिंग 7 में, तो बंगाल वॉरियर्स की टीम में श्रीकांत यादव, मनिंदर सिंह, वैभव बेनल गर्जे, दीपक निवास हुड्डा, बालाजी डी, शुभम शिंदे, गिरीश एना जैसे सात धाकड़ खिलाड़ी है। तो श्रीकांत यादव ने अभी तक 3 रेड में पॉइंट लिए, 0 टेकल में पॉइंट मिला है, 0 बोनस में पॉइंट मिला है, टोटल इनके 3 पॉइंट है। वे मनिंदर सिंह ने 1 रेड में पॉइंट लिया अभी तक, 0 टेकल में पॉइंट मिला है, 1 बोनस का पॉइंट मिला, टोटल 2 पॉइंट है। मनिंदर सिंह को आज का मैच अगर जीतना है तो चलना पड़ेगा। मनिंदर सिंह और श्रीकांत यादव दोनों शानदार रेडर है, लेकिन अभी तक यहाँ पर हरियाणा शीलर्स के सामने मनिंदर सिंह 2 बार आउट हो चुके हैं, और मनिंदर सिंह आज का मैच नहीं चले तो यहाँ पर बंगाल वॉरियर्स आज का मैच आसानी से हार सकती है। वही वैभव भाऊ साहेब गर्जे ने 0 यहाँ पर रेड में पॉइंट लिया, 2 टेकल में पॉइंट लिया है, 0 बोनस का, टोटल 2 पॉइंट है।
दीपक निवास हुड्डा ने एक रेड में बोल लिया, एक टेकल में बोल लिया है, जीरो इनका भी अभी तक बोनस में पॉइंट है और दो अभी तक टोटल कुछ पॉइंट ले चुके हैं। वहीं बालाजी लीन है, एक टेकल में पॉइंट लिया, टोटल अभी इनका एक पॉइंट है। शुभम शिंदे ने एक टेकल में पॉइंट लिया, अभी इनका एक टोटल पॉइंट है। वहीं गिरीश नाग ने भी यहाँ पर अपना खाता खोल दिया एक टेकल में पॉइंट लेकर, टोटल अभी इनके भी एक पॉइंट है। दोनों टीमों के स्टार्टिंग सेवन के सभी खिलाड़ियों ने सभी अपना खाता खोल दिया है और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दोनों टीमों लगातार एक एक पॉइंट से लगातार बराबर चल रही है। यहाँ पर श्रीकांत यादव को सुपर टेन के लिए 7 पॉइंट की दरकार है। वहीं वैभव भाऊ साहब को अपने हाई फाइव के लिए 3 पॉइंट की यहाँ पर चाहिए। मैं दीपक निवास हुड्डा और महेंद्र सिंह को बेंगलुरु इंडियंस के लिए फोर्थ रेड्स में यहाँ पर शानदार पॉइंट्स लाने होंगे, बोनस भी लाने होंगे अगर ये मैच जीतना है। जैसे अगर आज का मैच जीती है बेंगलुरु वॉरियर्स तो यहाँ पर क्वालिफाई होने के चांसेस हो जाएंगे। अगर हार जाती है या टाई रहता है तो जयपुर भी क्वालिफाई हो जाएगी।